तो भाइयों और उनकी बहनों, यार आ चुके एक नए गेम प्ले के साथ वापस। और यार इस गेम प्ले के अंदर तो बहुत अलग अलग चीज़ें होने वाली हैं। यार ये मैं ऐसे ही खेल रहा था क्योंकि मेरा जो टीममेट है भैया, ए स्टार फाइव वाली रेटिंग थी उसकी, तो मैं ऐसे ही खेल रहा था यहाँ पे। और फिर मैंने सोचा स्क्रीन रिकॉर्ड करी जाए। और यहाँ पर जो है फ्लेयर चली थी, तो हम यहाँ रश वश करने आते हैं। और इस तरह मैंने एक दो बंदे स्टार्टिंग में भरे थे और दो बंदे यहाँ पर भरती है, और आखिरी बंदे को मेरा टीममेट मार देता है। उसके बाद हम यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक गाड़ी स्पॉट होती है। अब ऑक की गोली वहाँ तक तो वैसे भी जाने नहीं वाली क्योंकि कंपनसेटर भी नहीं था हमारे पास। तो हम यहाँ से निकलने की सोचते हैं उसका पीछा करने के लिए। हम लोग उसका पीछा कर ही रहे होते हैं कि हमें कंपाउंड में से फायरिंग की आवाज़ आती है। तो मेरा टीममेट यहीं गाड़ी रोक लेता है, काफ़ी दूर रोक लेता है। तो यहाँ मारने की हम कोशिश करते हैं। सामने की ओर एक हमारा जो टीममेट था वो सीधा उधर घुस जाता है, नंबर 3, और उसका तो वो लोग हर्ष कर देते हैं ख़राब। यहाँ एक सिंगल बंदा मिलता है मुझे ऊपर में भागता हुआ, तो मैं उसको स्प्रे देने की कोशिश करता हूँ उस कारल से। और मैं अपने दोस्त को दे देता हूँ वापस, इसको पूरा भर देते हैं ताकि भैया कोई रिस्क विस्क ना रहे। अब यहाँ पर एक बंदा नॉक कर देता है मेरा टीममेट। तो फिर राइट में आपको बैकग्राउंड में एक गाड़ी आती हुई दिखी होगी, ये लोग वही बंदे हैं जो थर्ड पार्टी करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मेरे को फुटप्रिंट आ रहे होते हैं काफ़ी, तो एक नेट करने की सोचता हूँ मैं। दो दो फुटप्रिंट आ रहे होते हैं और राइट साइड से भी फायर आ रहा होता है, लेकिन ये नेट भैया कुछ खास कारगर नहीं रहा। और ये बंदा मेरे लेफ्ट से गुजरा, मुझे पता भी नहीं चला। ऐसे ही मेरे टीममेट को लगा कि भैया ये भी मैं ही हूँ, अरे क्या वो हो रहा मेरे है, को ही मारने हट लग हट। गया। उसको ये नहीं दिखा कि वो टीममेट जो है उसका वो भाग चला गया था। और यही यही कंफ्यूजन मुझे भी, खैर उसको बाद में मार दिया हमने, पता नहीं उसको मारा भी एग्जैक्टली या नहीं। अब यहाँ पर हमें एक और फायर आना चालू होता है, तो हम उसके पीछे तुरंत रश करने के लिए निकलते हैं सामने की तरफ। यहाँ पहले ही बंदे आ चुके थे और गाड़ी भी लगी हुई थी, और एक बंदा ओपन में मुझे दिखता है, लेकिन पता नहीं भाई M4 में कुछ मेरे लगाता है नहीं। बहुत गंदा रिकॉइल मार रही थी यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं आता हूँ उसको ओपन में मारने के लिए। और मेरा टीममेट जो है वो पीछे से जाता है गाड़ी लेकर। वो तो गाड़ी लेके घुस भी गया था और मेरे को पड़ती है भैया यहाँ पे। इस बंदे को मैंने अच्छा खासा स्प्रे दिया, पर पता नहीं भाई टीममेट कैसे नॉक कर देता है उसको। तो यहाँ तो किल चोरी हो गया मेरा, और थोड़ी बहुत मेरी जान भी बचा ली उसने। अब अंदर की साइड बंदे थे, अब इनको ख़त्म करना था लास्ट टाइम। देखा तो मारते बंदे थोड़ा बहुत हील वील करता हूँ मैं यहाँ पर। भैया मुझे फुटप्रिंट आ रहे होते हैं दो दो, एक फाइनली लेवल 1 की वेस्ट भी मिल गई थी, और दो नहीं यहाँ पर एक्चुअली 3 बंदे थे। अब देखना कैसे भरते हैं, एक बंदा तो सामने ही था, इसको मैंने मारा भैया, लेकिन वहाँ पर हो गई थर्ड पार्टी। अब यहाँ एक और बंदा था ऐसा, सबसे पहले तो इन लड़की में भरते हैं। यहाँ पर एक बंदा ऐसा था जो कि थर्ड पार्टी का था, और हमारा ना वो हमारी टीम में था ना वो उनकी, उसी ने मेरे टीममेट को भी मारा। अब देखो कैसे भरते हैं उसमें, इसको तो बड़ी आसानी से भर दिया। अब इसका मतलब ये था कि ये जो यहाँ पर थर्ड पार्टी हो गया था वो एक उनकी टीम थी, एक हमारी टीम थी, और एक और टीम का बंदा था जिसने मेरा किल चुरा लिया। खैर अब यहाँ पर थोड़ा बहुत लूट वूट लेते हैं हम लोग, हील वील करते हैं। पर यहाँ एक और आ जाती है गाड़ी हम पे रश करने। अब यहाँ मैं गाड़ी को भाई अंधा डैमेज कर देता हूँ, लेकिन जब बंदे की और मारने की बात आई तो मेरी एमओ ही ख़त्म हो गई। नीचे कूदता हूँ, लास्ट का बंदा होता है और उसको भी भर देते हैं। इसी के साथ भाई ये सारे बंदे चले गए। अब मैं समझा ये जो सिंगल एक बंदा था ये यहाँ पर रश करने आया हुआ था थर्ड पार्टी करने, और इसके टीममेट बस आए रहते गाड़ी लेके। तो स्कूल और यहाँ पर आने के बावजूद भी यहाँ पर हमें कोई नहीं मिलता, तो यहाँ से फायर आ रहा होता है रोजॉक की वाटर सिटी में, और ये सबसे गंदी सिटी है फाइट लेने के लिए। तो हम सोचते हैं यहाँ पे स्क्वाड हाउस में घुसते हैं और यहाँ से एंगल लेके हम वॉम से स्नाइपिंग करेंगे। वो बंदा आ गया देखो,
बट मजा ले कोई बंदा दिखा हो। अब सामने की ओर हमारा शक था तो हम वहीं पे जाते हैं धीरे धीरे, और वहीं से फायर भी आ रहा था। अब यहाँ मैं भाई गलती करने वाला हूँ एक, इसको पता नहीं क्यों नहीं लगा भाई शॉट मेरा। यहाँ गलती हो जाती है मेरे से पानी में कूदने की। अब पानी में कूदने से चलने की स्पीड से बहुत फ़र्क पड़ता है, तो मैं उधर जाने का रिस्क नहीं लेता बिल्कुल भी, नेड करता हूँ सिर्फ। और उस नेट से क्या ही नाव होने वाले थे ये लोग। खैर मैं जल्द से जल्द पानी से निकलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे पे भी स्प्रे व्रे आ रहा होता है यहाँ पे। अभी आप देख रहे हो यार कितनी दिक्कत होती है चलने में, कूद कूद के चल रहा हूँ मैं, फिर भी बहुत दिक्कत है। तो यहाँ पर मेरे को एक फुटप्रिंट भी आ रहा होता है सामने की साइड से, दो दो तीन फुटप्रिंट आ रहे होते हैं टोटल। एक सामने की तरफ बंदा होता है मेरे, लेकिन वो बच जाता है, और दो बंदे और होते हैं यहाँ पे। तो मैं सोचता हूँ आराम से उसको रश करेंगे, कूद के जाऊँगा इधर की साइड से, लेकिन यहाँ सरप्राइज़ मिलता है मुझे। मतलब भाई साहब सांप बना हुआ था और बंदे ने मेरे को छोड़ा भी नहीं, जड़ से ही ख़त्म कर दिया। खैर मैं टीममेट को बताता हूँ, यहाँ ऐसे ऐसे बंदा, वो देखता भी है, पर अब पता नहीं भाई इसने क्या गलती, शुरुआत में इसने खड़े होने की वहाँ गलती कर दी थी, और M249 थी उस पर। खैर अगले मैच में आते हैं, यहाँ मैं उतरा था पोचिंग की, और पोचिंग की में देखने में तो हमेशा ऐसे ही लग रहा था कि बंदे नहीं है, लेकिन यहाँ पर दो दो फुटप्रिंट भी आ रहे थे मुझे। अब यहाँ मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा था, और एक बंदा मेरे को पीछे से भी फायर करता है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा सेफली खेलने के मूड में था। यहाँ मैं वेट करता हूँ थर्ड पार्टी TPP लेने की कोशिश करता हूँ, पर भाई वो बंदा आता ही नहीं है काफ़ी देर तक। वो सीन मैंने कट भी कर दिया। अब फाइनली एक बंदा दिखता है मेरे को आते हुए, तो इसको तो यहीं पे भर देते हैं हम लोग। और इसके साथ एक बंदा और आता है जो हल्का सा डैमेज होता है, लेकिन UMP की 25 गोलियों की वजह से वो भाग भी जाता है, तो उसको सामने से ही मारता हूँ मैं। अब देखो कैसे भरते हैं उसमें। खैर ये बंदे तो ख़त्म हो गए, और भी बहुत सारे बंदे थे यहाँ पर। लूट में भैया उजी तो लेनी थी, उजी तो पोचिंग के में बड़ा हेल्प करती है स्क्वाड वाइप करने में। और सामने की तरफ से एक और बॉट आता है, और इसको भी भर देते हैं। अब बॉट ने अच्छा काम करा था, मुझे बैरल दे दी, और सामने की तरफ दो बंदे और होते हैं। एक बंदा मुझे स्पॉट कर चुका था, पर मैं यहाँ पिछले मैच वाली गलती नहीं करने वाला था कि भाई थोड़ा बहुत रूम दे के उसको मार दूँ, क्योंकि अगर गलती से उसने मेरे को डैमेज कर दिया, उसके साथ तो टीममेट है रिवाइव देने को, पर मेरे साथ तो कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। इसलिए मैंने यहाँ सेफली नेट खींचा एक, और भाई कमेंट में बताना यार बिल्कुल मुंह पे नेट फटा, लेकिन ये बंदा नॉक कैसे नहीं हुआ। अब भाई इसका जवाब मुझे कमेंट में दे देना अच्छा सा। खैर अब बहुत देर हो गई थी, अब मैंने कुछ और तरकीब लगाई उन्हें मारने के लिए, तो मैं गेट के ऊपर चढ़ गया और आराम से उन्हें एंगल लेके उधर से मारूंगा। तो यहाँ मैंने नेट खींचा, पिन दूर जाके खींची ताकि उन्हें पता ना चले, और भाई नेट बर्बाद कर दिया इस बंदे ने मेरा। खैर इसको बैरल से भर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ देखना मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं उस नॉक वाले को किल कर रहा था, और एक और नॉक हो गया, मुझे खुद नहीं पता चला ये बंदा कैसे नॉक हुआ और ये कैसे उधर की साइड आया। मैं तो उसको ख़त्म कर रहा था जो पहले मैंने नॉक करा था, पर कोई नहीं भाई, फ्री का लट्टू कौन नहीं छोड़ता। तो उसको मैं पूरा जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे किल की ज़रूरत थी, और स्क्वाड है भाई, नॉक करके छोड़ नहीं सकते। अब ये जो भाई बंदा आया बड़ी तेज़ी में आया था, और उतनी तेज़ी से इसे लॉबी में भी भेज देंगे हम। प्रोजा लग रहा है कपड़े में, कपड़ों से तो, बट यार हम तो कच्चा बनियान में घूमते हैं पबजी में भी। तो देखने वाली बात ये थी कि ये लोग सारे अभी भी ख़त्म नहीं हुए थे। डेफ़िनेटली यहाँ एक दो बंदे इनके और बचे हुए थे, बट काफ़ी देर तक ढूंढने के बावजूद मुझे वहाँ कोई नहीं मिला, तो मैं यहाँ से गाड़ी लेकर निकल गया। और सामने ही गाड़ी लेके मुझे कोई और बंदा भी दिख गया, तो उसको मैं उसका पीछा करने लग गया। फ़ाइट के लिए मैंने उसे रुकवाया, और वो बंदा रुका भी, पर मैं सेफली आगे रुका जाके थोड़ा सा रूम के लिए, क्योंकि तुरंत उतरते हैं तो वो सही पोजिशन लेके बैठा था, वो मुझ में भर सकता था, लेकिन इतने में उस बंदे का मूड बदला और वो भाग गया। तो मैंने भी भाई गाड़ी निकाली और उसका पीछा करने की कोशिश करी तुरंत के तुरंत, बट काफ़ी पीछा करने के बाद वो मुझे नहीं मिला। लेकिन यहाँ से मेरे को एक फायर आई,
तो मैंने सोचा यहीं रुक जाते हैं आराम से और कुछ किल बट उठते हैं यहाँ से, क्योंकि फॉग भी शुरू हो चुका था और मुझे क्लोज एंड फाइट करनी थी, लॉन्ग रेंज में कर नहीं सकता था। तो इस बंदे को तो चलते चलते भर दिया हमने। अब बारी थी इसके टीममेट की जो बड़ा क्राउच व्राउच करके आ रहा था। यहाँ मेरा स्कोप खोलने में हल्का सा 1 सेकंड का अंतर हुआ और बंदे ने मेरे को आधा डैमेज कर दिया पूरा, बच गया। मतलब लवर बॉय के हाथों मत था वरना मैं। अब मैंने हील वील कर ली आराम से और नेट वेट भी आ रहे थे मेरे पास, तो मैं एक एंगल ढूंढने लग गया सही से कवर करने के लिए। बहुत देर बाद वो बंदा काफ़ी देर तक चुप रहा और एक बॉट ने भाई सही काम करा मेरे सामने आके, उसके सामने आके बॉट ने उसकी लोकेशन मेरे को पता करवाई और मैंने थोड़ा बेटिंग करी और वेट देकर उसको मार दिया, फिर बॉट का किल भी ले लिया। तो भाई ये होता है स्मार्ट वर्क, अगर मैं पहले ही बॉट मार देता तो वो बंदा मुझे स्पॉट कर लेता। अब ये बंदा बड़ा तेज़ था, चुपचाप बैठा हुआ था बहुत देर से और मेरे को फुटप्रिंट भी नहीं दे रहा था, तो बॉट ने थोड़ी हेल्प कर दी। यहाँ पे भी लूट लाट चुके थे लोग, तो थोड़ा बहुत बचा हुआ सामान हम भी ले लेते हैं। अब यहाँ देखो पोचिंग के में क्या सीन हो रहा है यहाँ पे, मतलब भाई बंदों को अपनी उसमें पड़ी हुई है और लगातार कार जो है वो घुमाए जा रहे हैं, इन्हें नहीं पता एक गाड़ी आ गई है। लेकिन इनकी किस्मत इतनी अच्छी है, रोलिंग की वजह से इनको एक भी बुलेट ढंग से नहीं लगी। बड़ी मुश्किल से यहाँ मैं एक ही बंदा नॉक करता हूँ, ये जो डैमेज है मुझे किसी और बंदे ने दिया, उन गाड़ी वाले बंदों ने दिया। और यहाँ बताओ यार मैं कैसे कैसे मर सकता हूँ मैं, मतलब मैं बिल्कुल कवर में था और भाई मरने का तो सवाल भी नहीं उठ रहा था, कैसे मरा मैं मुझे बताओ। इसीलिए मैंने डेथ रिप्ले भी देखा अपना, और यहाँ खुद जज करो, खुद मुझे बताना कमेंट में। यहाँ भाई मैं मेरी एक भी बॉडी पार्ट, एक भी कुछ डैमेज, खून कुछ भी नहीं दिखा, ना मेरा एक भी बॉडी पार्ट शो हुआ। तो उस बंदे ने मेरे को कैसे किल करा मुझे यार बताना ज़रूर, ये पबजी वालों की ग्लिचेस वालों की। तो ये तुम्हारे भाई का इंस्टाग्राम अकाउंट यार, जाके फॉलो करो और DM करना मुझे कोई भी बात हो, पर्सनली बात करेंगे आराम से। तो भैया आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हर दिन वीडियो आती है हमारी, और लाइव स्ट्रीम करना हो तो ज़रूर बताना। तो आपसे मिलेंगे हम अगली वीडियो में कल वापस, तो तब तक के लिए